अलैक्म एवरी वन आई होप आप लोग सब ठीक होंगे इस दुआ के साथ व्लॉग शुरू करते हैं कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज अमान और खैर खैरियत से रखें तो हम लोग एलेक्ज़ेंड्रिया से कायर पहुंच चुके हैं शाम होने वाली है तकरीबन और अच्छा मुझे ना बहुत से मैसेजेस आ रहे थे इवन व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम वगैरह पे कि मिसर का खाना कैसा होता है तो मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि हमारी बुकिंग हुई हुई थी कायरों में एक रेस्टोरेंट में तो हम लोगों ने बहुत शोर डाला कि प्लीज़ वो कैंसिल करवा दें हम नहीं और मज़ीद ये खाना खा सकते <laughs> असल में मिसर का खाना इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट और इन लोगों की ना इनके पास वैरायटी बहुत कम है इनका सिर्फ़ एक ग्रिल फूड है और कोफ्ताज़ है और एक और चीज़ है कोई आई डोंट नो तो हम लोग उस दिन से सिर्फ वही ग्रिल्ड फूड ही खा रहे थे और अब बिल्कुल हमारी ना बस हो चुकी थी और कोई इनका मजाक भी कर रहा था कि इनके ऊपर मनोसलवा उतरता था इसलिए इनको अभी तक खाना नहीं बनाना आया <laughs> तो बहरहाल डिसाइड ये हुआ कि हम मॉल ऑफ अरेबिया चलते हैं तो ये चूँकि हमारे रास्ते में पड़ रहा था होटल की तरफ जाते हुए तो फिर हम लोगों ने यही फिर सेलेक्ट कर लिया और उसका फिर ये हम लोगों ने सोचा कि इसके फूड कोर्ट से हम लोग कुछ खाना खा लेंगे डिनर हम लोग फिर यहीं करेंगे तो शॉपिंग भी हो जाएगी इन और साथ डिनर भी इंजॉय कर लेंगे अपनी मर्जी का क्योंकि फूड कोर्ट में तो फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं अनलिमिटेड तकरीबन कह लें ऑप्शन होती हैं हम लोग यहाँ उतर चुके हैं और हम हम लोग एंट्रेंस के एक गेट की तरफ जा रहे हैं काफ़ी ह्यूज मॉल है पहले से आप देख रहे होंगे और ये इसका गेट नंबर ट्वेंटी है यानी इसके अल्लाह जाने कितने गेट्स हैं तो काफ़ी ह्यूज ये मॉल था और आ, मैं एंटर होती हूँ ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्रीटी था और वैरायटी भी बहुत ज्यादा थी इसके अंदर ये यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं मैं आपको एंट्रेंस भी दिखाती हूँ कुछ क्लिप्स तो मैंने बनाए हैं मैंने ऐड भी किए हैं ये एंट्रेंस है मतलब इस गेट से एंट्रेंस है ये और एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे एल की बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पे कुछ शॉप्स बहुत क्यूट चीज़ों की थी बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती हैं यहाँ से कुछ नाम भी मुझसे इस तरह पढ़े नहीं जा रहे थे कुछ ब्रांड्स बहुत नॉन थे वो हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं और कुछ बिल्कुल न्यू ब्रांड्स थे और चीज़ें इनकी बहुत अच्छी थी बहुत ज़बरदस्त वाली काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ये क्रॉकरी की शॉप थी इसकी क्रॉकरी बहुत खूबसूरत थी हर कंट्री का एक अपना कल्चर होता है और उसकी हर चीज़ के अंदर ना उसका कल्चर नज़र आता है और वो बहुत फिर अच्छा लगता है तो ये एक जनरल टॉय शॉप है जो बीच में होती है अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉप आने लगी है मैं आपको दिखाती हूँ वो भी तो ये तो फिर वही टॉयज़ वग़ैरह हर चीज़ मुख्तलफ़ एक्टिविटीज़ थी इनके पास बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ और बहुत अच्छे टॉयज़ तो ये जो शॉप है ना ये देखिएगा ज़रा ये हेयर एक्सटेंशन की शॉप है स्पेशली सिर्फ हेयर जो है वो असेसरीज़ और उसकी एक्सटेंशनस बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप लगी थी मुझे ये डिफरेंट शॉप्स हैं और ये ओवरऑल व्यू है ये कुछ मेकअप ब्रांड्स हैं मेकअप ब्रांड्स भी काफ़ी इसके कॉस्मेटिक्स और वो सब काफ़ी वराइटी और साथ ही के आ, जो होते हैं ना क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे शूज़ भी इनके अब मैं आपको दिखा देती हूँ <coughs> यहाँ से कुछ शूज काफ़ी डिफरेंट और बहुत प्यारे थे हील्स डिफरेंट है यहाँ की एक लॉन्ग हाई बूट्स मैंने चूज किए थे काफ़ी लॉन्ग थे वो और बट उसमें मेरा हाँ साइज भी मिल गया था और सब कुछ सारा कुछ बहुत मुझे पसंद आया बट उसकी हील्स बहुत ऊंची थीं काफ़ी ऊंची हील्स थी इतनी ऊंची हील्स मुझे लगा कि मैं नहीं पहन सकूंगी ये ये शॉर्ट हाई बूट्स हैं वो लॉन्ग थे काफ़ी उनकी उनका शायद मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि मैं ट्राई वगैरह करती रही तो ये शॉर्ट भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बट इनकी हील्स देखने में लग रहा था कि ठीक हैं बट पहनने में काफ़ी हाई थी और मैं इतनी हाई हील्स नहीं पहनती ज़्यादा मुझे इतनी आदत नहीं है ये एक और बहुत प्यारी शॉप है इसके अंदर बहुत प्यारे क्रिस्टल्स के सारे जो हैं वो फानूस वगैरह सारी चीज़ें और ये कुछ फर्नीचर की शॉप के ना उन्होंने पीसेज यहाँ डिस्प्ले किए हुए थे रास्ते में तो वो काफ़ी क्यूट लग रहा था और ये बेकरी है और ये ऑलमोस्ट ना फूड कोर्ट शुरू होने वाला है ये एक जो एक रो जा रही होती है ना फूड कोर्ट की तरफ ये वो रो है और रोज़ पेरिस के नाम से इसके इनके पास मेकर और डोनट्स एंड ऑल दैट और अब ये जो पूरा ह्यूज एरिया सामने आ रहा है ना ये फ़ूड कोर्ट है अब मैं आपको फ़ूड कोर्ट भी दिखाती हूँ तो इसके अंदर बहुत ऑप्शंस थी बहुत वैरायटी वगैरह और सबसे पहले तो यहाँ पे के है और जिस जिसने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हैं उन्हें पता होगा कि मुझे के कितना पसंद है तो हम लोग तो डायरेक्ट जो है वो के में चले गए थे थोड़े से मैंने आगे जाके ऑर्डर देने के बाद क्लिप्स बना लिए थे और ऑर्डर हम देख चुके हैं के एफ़ सी में और हम वेट कर रहे हैं इधर डोमिनोज भी पिज़ पिज़्ज़ा हट है हार्डीज़ एंड ऑल दैट मतलब काफ़ी फेमिलियर जो है ना आ, हमारी फूड ईटरीज़ थी यहाँ पर और यहाँ से जो है वो ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है हम लोग ये हमारा ऑर्डर रेडी है तो अब मैं आपको अपना बर्गर भी दिखाऊंगी अच्छा जिन लोगों ने सिंपल के लिया था ना इन्होंने पूछा था कि स्पाइसी वन और द रेगुलर वन तो जिन्होंने रेगुलर लिया था ना वो उन्हें हुआ कि बहुत फीका है वो तो मतलब उन्हें हुआ कि इनका के भी फीका है और ये वो बट द स्पाइसी वन वॉज़ वेरी गुड स्पाइसी वाला इतना मज़े का था जैसे बिल्कुल दुबई में होता है ना ये बिल्कुल दुबई जैसा था बहुत मज़े का था ये और कहीं नहीं मिलता ये टर्की में भी नहीं मिलता ऐसा के तो बहुत हमने इन्जॉय किया और फिर मैंने उनसे कहा था कि इसमें ज़रा सॉस भी डाल दें और सारा कुछ काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें डिनर uh, हमारा हो गया इसके बाद अब ये है एल सी वाई की की और ये बहुत फेमस ब्रांड है ये ब्रांड हम इससे हम टर्की में भी शॉपिंग करते रहे हैं और ये और जब मैंने यहाँ से ना फर वाले शूज़ लिए थे तो मैंने उनसे कहा कि फिर अगर शूज़ की कोई प्रॉब्लम हो गई कोई साइज़ ऊंच नीच और ये वो तो उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में नहीं है एल सी वाई की की तो मैंने कहा नहीं ये हमारी कंट्री में नहीं है ये इतना फ़ेमस है कि ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर है तो अच्छा यहाँ कोट्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे बट मुझे होता है कि शोल्डर्स ब्रॉड ना हो कोट के नैरो शोल्डर्स में पहनती हूँ तो बारह वो करते करते नहीं फाइनल हुआ और एक बात मैं आपको इन लोगों की बताऊँ कि अगर फोर्टी नाइन एजिप्शियन पाउंडस की कोई चीज़ है और आप उनको फिफ्टी इजिप्शियन पाउंड देते हैं तो आपको वन इजिप्शन पाउंड ये लोग वापस करते हैं ये टेंगो टाई शॉप है ये सिर्फ टाइज़ की शॉप थी और बहुत क्यूट टाइज थी पैकिंग्स भी उनकी बहुत प्यारी थी तो मैं आपको बता रही थी कि ये लोग वन इजिप्शियन पाउंड वापस करते हैं इस वजह से इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़ नाइन्टी नाइन रुपीज़ की है ना तो वो हंड्रेड रख लेते हैं जो एक रुपया वो नाहक ले रहे हैं वो गैर महसूस तरीके से उनकी इकॉनमी को डाउन कर देगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा अच्छा ये एक बहुत ही क्यूट चीज़ों की शॉप थी बहुत ही क्यूट क्यूट जो चीज़ें होती हैं ना मसलन कुशंस थे बैग्स थे और वो सब बहुत क्यूट बने हुए थे यहाँ पे हमारे यहाँ मिनीसो ऐसी शॉप है जहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट सी हमें चीज़ें मिल जाती हैं और वो सब तो इनके कुशन्स और इनके बैग्स देखिएगा ये बहुत ही क्यूट थे बड़े बड़े प्यारे बने हुए थे ये पीछे बनानाज़ हैं और डिफरेंट चीज़ें थी और बनी वो ऐसी हुई थी कि जैसे वो एक कुशन हो और ये सिर्फ़ इजिप्ट का ही नहीं है ये बाहर के मुल्कों में आप जब भी ट्रैवल करें आप ये देखेंगे कि वो लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं इसी वजह से तो उनका इतना उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग और वो इतने अच्छे जा रहे होते हैं क्योंकि वो चाहे वो टर्की हो कोई नाइन्टी लीरा की बिलफर्स चीज़ है या कोई नाइन्टी डॉलर की चीज़ है और वो हंड्रेड आप उनको देते हैं तो आपको वन लीरा या वन डॉलर वापस कर देते हैं तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपके काम को चलाने में तो हम लोग क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत की जाती है बेईमानियाँ और ये सब बहुत चलती हैं और फिर कहा जाता है कि जी इतनी तरक्की नहीं हो रही और भी सारा हम लोग अब अलहमदिल्ला घर पहुंच चुके हैं और ये हमारे विंडो से रूम के विंडो का व्यू है और ये तो जितने घंटे आप यहाँ बैठे रहना कभी नहीं थकेंगे बहुत ख़ूबसूरत व्यू और जो सोफ़ा सेट था ना वो इस तरह से अरेंज्ड है कि वो इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द विंडो तो आप यहाँ आराम से बैठे रह सकते हैं या खड़े रह सकते हैं या तो खड़े रह के भी बंदा देखता रहे और चाँद अभी आएगा बहुत ख़ूबसूरत और बहुत क्लियर चांद नज़र आ रहा था मैं आपको अभी दिखाती हूँ उसका क्लिप भी तो कल हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ से कायरों से चले जाना है मिसर के तीसरे शहर आज हमारी कायरों में आखिरी रात है तो बहुत याद आएगी ये जगह बहुत ही प्यारा टाइम गुजारा है यहाँ पे अभी चाँद आता है किसी जगह मैं आपको दिखाती हूँ Uh, मैंने कोई क्लिप लिया था ये वाला ये देखिएगा ज़रा ये चाँद इतना क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि अभी तो ये कैमरे में है जो ये असल में नज़र आ रहा था बहुत क्लियर आसमान और हर चीज़ यहाँ की बहुत अच्छा टाइम रहा अल्लाह के बहुत शुक्र गुज़ार है हम बहुत ज़्यादा कि इतना अच्छा इस शहर में टाइम रहा अब हम लोग थर्ड सिटी ऑफ इजिप्ट जाएंगे तो आप लोगों से फिर सुबह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अल्लाह हाफ़िज